नमस्कार दोस्तों, भगत स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था शब्द कोडिंग, आज अपन पढ़ते हैं शब्द का कोड, शब्द या अंक के रूप वाली कोडिंग। तो आप देखिए यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से अपन को हल करना है। तो देखो 124 का 134 का अर्थ है गुड एंड टेस्टी, 478 का अर्थ है हमारे पास सी गुड पिक्चर, 729 का अर्थ है पिक्चर आर फैंड। तो यहाँ पर देखो तीन अंक है, इसमें भी तीन शब्द अपने पास दिए गए, तीन अंक इसमें दिए गए, तीन शब्द यहाँ पर दिए गए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक का क्रमांगत रूप से अपना यहाँ पर कोई कोड दिया गया हो। तो हमें याद करना है किस तरीके से, तो देखो यहाँ पर अपन को सी का कोड और पिक्चर का कोड निकालना है। तो अब अपन को सबसे पहले इस शब्द को ढूंढना है वो अपन को कितनी बार लिखा गया। तो यहाँ अपन ने देखा सी अपने पास एक वाक्य में लिखा गया है दूसरे में, तो जब भी कोई भी शब्द एक बार अपन को मिलेगा तो उसके सामने उसके कोड मिलेंगे, तो कॉमन कोड जो भी होगा उसको अपन काट देंगे, छोड़ देंगे, और जो शेष बचा अंक है वो उसका कोड हो जाएगा। तो यहाँ चार कॉमन हो गया, यहाँ सात कॉमन हो गया, तो बचा आठ, तो सी का कोड हो जाएगा अपना आठ। अब देखिए यहाँ पिक्चर है, तो पिक्चर को ढूंढना अपन कितनी बार लिखा गया। अब पिक्चर लिखा गया देखो एक तो इस वाक्य में और एक इस वाक्य में, यानी कि दो बार पिक्चर लिखा गया। तो अपने पास अपन जानते हैं कि भाई इसका कोड तो एक ही शब्द में होगा, एक ही अंक में होगा, लेकिन अब आप देखो यहाँ से और इसमें, दूसरे और तीसरे में, यहाँ पर जो भी कॉमन अपन को दिखाई देगा वही इसका कोड हो जाएगा। तो दूसरे और तीसरे में कॉमन क्या हो गया हमारा सात हो गया, तो इसका कोड क्या हो जाएगा हमारा सात। तो सी का कोड हो गया आठ और पिक्चर का कोड हो जाएगा हमारा सात। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसका कोड प्राप्त करना है। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो देखो 247 का आता है स्प्रेड रेड कार्प है, 256 का आता है डस्ट वन कार्प है, 254 का आता है वन रेड कार्प है। तो डस्ट का कोड क्या होगा? तो अपन यहाँ पर एक शब्द का कोड पूछा है, यहाँ अपन को एक का पूछ सकता है, दो का भी पूछ सकता है। तो अपन देखें यहाँ पर अपन चाहे तो एक एक शब्द का कोड भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आप देखो किस तरीके से अपन याद करेंगे, वही तरीके से अपन को याद करना है। तो अब अपन देखो यहाँ जैसे अपन स्प्रिट का कोड ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जैसे स्प्रिट का अपन को कोड ज्ञात करना है, तो ये कितनी बार लिखा हुआ है यहाँ पर देखो एक बार लिखा है। तो एक बार लिखा है तो इसके कॉमन देखिए यहाँ पर इसका कोड है, तो दो कॉमन हो गया हमारा इसमें है, चार अपने पास इसमें है, तो सात इसमें किसी में नहीं है, तो जो बचा हुआ है वो इसका कोड हो जाएगा, यानी कि स्प्रिट का कोड क्या हो गया सात हो गया। इधर अपन ने यहाँ पर देखा देखो रीड का कोड याद करना है, तो रीड कितनी बार है दो बार, पहले और तीसरे में, तो पहले और तीसरे में कॉमन देख लीजिए अपन को क्या मिल रहा है, पहले और तीसरे में कॉमन क्या है चार, तो यहाँ पर अपने पास रीड का हो जाएगा चार। अब आप देखो कारपेट है, तो कारपेट तीनों में ही लगातार लिखा हुआ है, तो तीनों में लिखा है तो ऐसा अंक आपको देखना है इसमें जो तीनों में कॉमन आए, तो तीनों में कॉमन क्या आ गया हमारा दो, तो यहाँ कारपेट का हो जाएगा, कारपेट का कोड हो जाएगा दो। अब आप देखो यहाँ पर इधर देखे दस का, तो यहाँ पर अपन को देखना है कि एक ही जगह पर लिखा हुआ है इसमें, तो यहाँ पर देखो दो कॉमन हो गया, पांच हो गया, और इसमें क्या बचा चार, इधर कॉमन हो गया तो क्या बचा छह बचा, तो यहाँ हो गया इसका छह। इधर वन, तो देखिए वन अपना दूसरे और तीसरे में कॉमन है, तो दो और तीसरे में कॉमन क्या चाहिए पांच है गया, तो यहाँ पर वन का कोड हो गया पांच। इधर कारपेट का आ गया अपने पास, तो इधर देखो वन का कोड हो गया और रिंग का अपने पास कोड हो गया। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर शब्द का प्रत्येक शब्द का कोड भी याद कर सकते हैं। अब अपन को देखो यहाँ पर डस्ट का कूट पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास छः, तो इसका कूट हो जाएगा हमारे पास छः हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर एक तरफ अंकों में, एक तरफ इंग्लिश वर्ड, क्वेश्चन हमारा दोनों तरफ इंग्लिश वर्ड में भी हो सकता है, एक तरफ हिंदी वर्ड में भी हो सकता है, लेकिन नियम्स में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, अपन को ध्यान रखना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अपन देखते हैं।
यदि पी सी पी इसका अर्थ है फल जूस पिए, सी की ली का अर्थ है जूस मीठा है, ली री मी का अर्थ है वह होशियार है। तो इसी कूट भाषा में, इसी कूट भाषा में मीठा का कोड क्या हुआ? यह देखिए, अपन को मीठा का कूट पूछा गया है, तो वही कार्य अपन को करना है कि सबसे पहले इसको देखना है कि मीठा कितनी जगह पर लिखा गया है। तो यहाँ पर मीठा, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का हल्का सा टाइप चेंज हुआ है, लेकिन नियम से इसके कोई भी चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पर एक तरफ इंग्लिश वर्ड, एक तरफ हिंदी वर्ड है। तो अपने यहाँ पर देखा मीठा अपन को इधर लिखा हुआ है, तो इसके जस्ट सामने अपन को इसका कोड मिलेगा। तो देखिए यहाँ इसके सामने कोड है, तो अपन देखेंगे कि इनमें से जो कॉमन होगा उसको तो छोड़ेंगे। तो यहाँ पर एच डबल ई देखिए कॉमन हो गया, ये कॉमन अपने पास हो जाता है, तो ये अपने पास इसको हो जाएगा। अब इधर देखो यहाँ पर के डबल ई है, तो के डबल ई है क्या किसी इसमें, इसमें कॉमन है? नहीं है। एल डबल ई देखो ये कॉमन हो गया, तो इसलिए इसका बचा क्या के डबल। तो अपने पास मीठा का कोड हो जाएगा के डबल ई। तो इस तरीके से दोस्तों इस प्रकार की कोडिंग को अपन को हल करना है, और ये ध्यान रखना है किस तरीके से हल करें। एक शब्द एक बार आएगा, कॉमन कोड हटा देंगे, एक से